नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूं राशिका बजाज। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जी हां, बस इन्हीं बातों का चरितार्थ कर दिखाया शिक्षक राज आनंद सिन्हा ने। आज के युग में डीजल पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं। आज के इस महंगाई के दौर में एक सामान्य इंसान के लिए कार जैसे आवश्यकता शौक को पूरा करना आसान नहीं है। बस इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक राज आनंद सिन्हा ने बच्चों के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक कार का आविष्कार कर डाला। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके शिक्षक राज आनंद सिन्हा बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। प्राइवेट शिक्षक के तौर पर सेंट मेरीज सिमडेगा में कार्यरत शिक्षक राज आनंद अक्षय सिन्हा कोचिंग क्लास चलाते हैं, जिसमें अक्सर थ्योरी में पढ़ी हुई बातों को प्रैक्टिकल कर बच्चों को समझाना आम बात सी है। कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इससे पहले हम लोगों ने बच्चों के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाया था। अखबारों में, न्यूज़ में काफ़ी प्रशंसा मिली। अच्छा लगा कि हमारे काम को सराहना मिली, लोगों ने प्रशंसा की, लोगों ने सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस वक्त जब काम कर रहे थे तो दिमाग में एक छोटी सी सोच थी कि इससे बृहद पैमाने पर काम किया जाएगा और करेंगे। इलेक्ट्रिक साइकिल बन गया और उसके बाद दिमाग में सोचा है कि कार बनाएंगे जो बड़ा होगा। इलेक्ट्रिक साइकिल था जिसमें मैं अगर इलेक्ट्रिक साइकिल चला रहा होता था तो साथ में कोई और बच्चे नहीं घूम पाते थे। सूरज, सुखदेव, आशीष, इन दो तीन बच्चों के साथ मिलकर कार पर काम शुरू किए। शुरुआत में बहुत परेशानियाँ हुई। बहुत बार ऐसा हुआ कि कॉन्फिडेंस लूज़ होता सा नज़र आया कि पता नहीं काम तो शुरू कर दिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले लिए, पता नहीं ये कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। लेकिन आज ये कार कंप्लीट हो गया। आज जब इसको लेकर बाज़ार में निकलते हैं, लोग इसको देखते हैं, तो एक चीज़ को ज़रूर याद करते हैं। सर, इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक साइकिल बनाया था, अब आपने कार बना दिया, बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगता है जब लोग इसकी प्रशंसा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस पूरे कार के बारे में अगर देखा जाए तो जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। इसके पीछे बहुत मेहनत है। फरवरी से काम कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे काम कर रहे हैं और काम करते हुए आज ये कार बनकर तैयार हो गया। 100 किलोमीटर से ज़्यादा का माइलेज दे रहा है एक चार्जिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगभग 65,000 का रहा है। ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहा है और उम्मीद ये है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक साइकिल बनने के बाद लोग उसे यूज करने लगे और अपनी दिनचर्या में उसको ढालने की कोशिश करने लगे, और आज सिमडेगा में इलेक्ट्रिक साइकिल लगभग भर गया। आने वाले समय में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक कार और भी बनेंगे और सिमडेगा के लोग इससे प्रेरित होंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सूरज कुमार है। हम सर के यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं। फिजिक्स में काफ़ी मन लगता है पढ़ने में, तो हम लोग सर से डिसाइड किया कि हम लोग कुछ फिजिक्स से पढ़ते हैं उसको थ्योरिकल क्यों एक काम ना किए। तो हम लोग कार के बारे में सोचा। इससे पहले साइकिल बनाए थे इलेक्ट्रिक साइकिल, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक साइकिल कुछ ही लोगों के लिए बनाए थे तो मज़ा नहीं आ रहा था उतना, तो इसीलिए हम लोग एक सोचे कि सारा दोस्त लोग मिल के बनाते हैं और उसमें सारा दोस्त एक साथ बैठ कर घूमें, तो इसीलिए हम लोग एक इलेक्ट्रिक कार बनाया और काफ़ी अच्छा लग रहा है घूमने में भी। स्पीड भी ठीक ही है और मज़ा भी बहुत आ रहा है। सब दोस्त एक साथ घूमते, कहीं भी जाना होता है एक साथ हम लोग चल जाते हैं। सिंह है, मैं सर आजाद के पास कोचिंग पढ़ता हूँ। इससे पहले हम लोग एक साइकिल बनाए थे और अभी हम लोग एक कार बनाए हैं। वैसे तो साइकिल बनाए थे पर सबके यूज़ के लिए एक साथ हम लोग नहीं बैठ सकते थे सब दोस्त एक साथ, तो हम लोग अभी सोचे सब मिल के दोस्त लोग के साथ कि एक कार बनाते हैं। हम लोग कार बनाए, जब शुरू किए फरवरी में, तब ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब धीरे धीरे प्रोसेसिंग बढ़ते गया, बनाते गए, वैसे तो बीच में बहुत हम लोग का रुकावट आया था, बाधा आया था, पर हम लोग उस बाधा से पार हुए और पीछे नहीं हटे, कोशिश जारी रहा और हम लोग एक कार खड़ा कर दिए हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। जब हम लोग चलते हैं तो लोग देखते हैं, अपना पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं और वीडियो शूट करने शुरू कर देते हैं। इससे हम लोग यही फीलिंग लगता है कि हम लोग कुछ अच्छा किए हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।